हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। यही तो दिक्कत है, सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है। हम बैठे आजा संडास दिखा तो। एक टांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। ये है आम जिंदगी, तो रुको जरा। ये है मेंटोस जिंदगी, मेंटोस। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। आइए देखते हैं मजा आएगा। अभी ऊपर गया, ऊपर तो और मेरे पबजी लाइट वाले भाई, तो कैसे आराम सभी लोग, तो साथ चुका मैं एक और वीडियो लेके। मैंने कैसे आपको कल बताया था भाई, पबजी लाइट में नया मैप भी आ सकता है, जो कैसे आप अपडेट इश्यू में जाते हो तो भाई उधर आपको देखने को मिलेगा कि भाई पबजी लाइट के डेवलपर्स ने बता रखा है कि वो नए मैप पे भाई काम कर रहा है, जो कैसे अभी तक भाई 8-9 महीने आ चुके हैं और भाई अपडेट का आता पता नहीं है। और गेम से जो भाई विनर पास हटाया गया ना, उससे तो भाई बहुत ज़्यादा ऑडियंस भाई परेशान हो चुकी है, अब तो भाई गेम खत्म हो जाएगा। और यूट्यूबर्स तो भाई यही बताया जा रहे भाई गेम खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और एक गेम है स्कारफॉल, जो कुछ यूट्यूबर्स आपको बता रहे होंगे भाई ये बीजीएमआई लाइट की जगह ले लेगा, तो भाई लोग ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने भाई पबजी लाइट की जगह सिर्फ बीजीएमआई लाइट ही लेगा, बाकी के नॉर्मल गेम्स नहीं लेंगे। और इन फ्यूचर भाई क्राफ्टन तैयारी करेगा तो भाई जरूर हमें बीजीएमआई लाइट जरूर देखने को मिलेगा। अभी भाई थोड़े हालात खराब है भाई इंडिया में, इतना गेम आसान नहीं होता कि भाई एक गेम को भाई डेवलप करके भाई गेम इंडिया में उतारा जाए, कभी भाई बैन देखने को मिल सकता है अगर बाहर के कंट्री की कुछ कंपनीज के हाथ हुए तो भाई ऐसा ही होता। अभी गाइस कुछ भी भाई मतलब प्लान नहीं है भाई क्राफ्टन के, बट इन फ्यूचर जरूर वो प्लान करेगा नए नए गेम भाई डेवलप करने में। और जो भाई क्राफ्टन के अभी तक इंडिया में 4-5 गेम आए उन पे तो भाई इतने डाउनलोड्स नहीं है। और एक बीजीएमआई ये जो है तुम्हें पता भाई पबजी की जगह उसने ले लिए। अब भाई लोग मैं आपको बता देता हूँ क्या नया मैप अपने पबजी लाइट में आ सकता है, जो कि 8-9 महीने आ चुके हैं भाई अपडेट का इंतजार करते हो, इसलिए भाई अपडेट शायद देखने को नहीं मिल रहा। तो भाई लोग पबजी लाइट के डेवलपर्स ने बताया भाई नए मैप पर काम कर रहे हैं। एंड भाई लोग देखो मुझे भी पता भाई नए मैप कुछ दे नहीं या ना दे, बट भाई जोंबी मोड दे देना चाहिए, क्योंकि जो बंदे अभी के टाइम में पबजी लाइट खेल रहे हैं बस उन्हीं से पूछो भाई गेम में कितने गंदे एकर देखने मिलते हैं। रात के टाइम पे भाई शैतान जाग जाते हैं भाई, सारे गंदे एकर भाई रात को देखने को मिलते हैं, और दोपहर में भाई कम से कम एकर आते हैं, इसलिए भाई मैं गेम प्ले निकाल लेता। अगर भाई पबजी लाइट वाले 2023 के अंदर भाई जीत रिकन ऐड नहीं किए होते ना अपने गेम के अंदर, अब तक तो भाई सारी ऑडियंस भाई गेम को चली जाती छोड़ के, क्योंकि भाई इसी वाली जीत रही भाई हाई डैमेज वाली गन है, जो है तुम्हें पता होगा इससे भाई हैकर को निपटाने में काम में आता, वरना भाई एक भी हैकर निपट नहीं पाता, शॉट गन से भी भाई इतने निपट नहीं पाते जो कि जीत रही से हम निपटा पाते ईजी भाई हैकरों को। तो अभी लोग हम तो इंतजार कर रहे भाई जोंबी मोड दे दे तो भाई नाइट के मोड में भाई अच्छा लगता है भाई गेम को खेलने में, जो कि आपको भी पता होगा। तो भाई लोग इंतजार कीजिए, अपडेट आता जैसे गाइस मैं गाइस आपको बता दूंगा। तो भाई लोग मैं आप लोगों के लिए गेम प्ले लेके आ चुका हूं, सो वाली गेम प्ले भाई लोग लास्ट तक जरूर देख के जाना, आपको देख के एकदम मजा आएगा। लास्ट तक देख के जाना भाई कितने एकड़ देखने को मिलते हैं, और चिकन डिनर ले पाता या फिर नहीं तो लास्ट तक देखना तो बनता। तो मैं कह रहा था डुओ सेस कोड और आ जा चुका है ओल्ड बेसिन, तो भाई गन तो मिल ही जाती है, तो भाई चलो बंदों को भी देख लेते हैं। और चलो भाई इसकी पेटी में तो दो उठा दिए, इसके बाकी के टीम मेट भाई इधर ही होते हैं, और मेरे को यहाँ पर आते हुए बस एक ही टीम दिखी थी, बाकी के बंदे होते हैं इधर, तो बस देखो इन्हें कैसे निपटाता हूँ।
और चलो भाई ये वाली टीम तो हो जाती है खत्म, तो भाई जल्दी से इसके पेटी में से लूट उठा लेता भाई, जीते भी मिल जाती है मेरे को। यहाँ पे भाई सामने की तरफ कुछ बोट फायर कर रहा होता, तो भाई पहले इन्हें निपटाता हूँ। बोटों को तो निपटा लिया, बट यहाँ पर और भी बंदे फायर कर रहे होते तो भाई उनको भी निपटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेरे पास अच्छी खासी कॉम्बो तो हो ही जाती है भाई, G3 M4 तो भाई और क्या ही चाहिए। तो भाई चलो चलते हैं भाई बंदों को निपटाने। एक बंदा तो भाई सामने वाली छत पे, तो बस देखो अब इसको तो भाई नोक कर दे। इसका एक और टीममेट सामने होता और मेरे को पता था वो बंदा इधर ही आएगा, तो बस देखो कैसे निपटाता हूँ। चलो भाई इनकी तो पेटियाँ बना दी, और इनके भाई और भी टीममेट इधर तो भाई नहीं होते, तो भाई मैं जा रहा था बंदों को ढूंढने, तभी देखो सामने की तरफ गाड़ी दिखती है मेरे को। अब इस बंदे को भाई डैमेज तो बहुत ज़्यादा देता हूँ, बट भाई बंदा बच के भाग जाता और दिख के ना रहा था, तो भाई ये तो भाग चुका था इधर से। मैं जा रहा था सामने की तरफ, तभी देखो एक बंदा दिखता है मेरे को। अब इधर तो भाई होल्ड बेसिन में तो हो चुके थे बंदे खत्म, तो भाई चलते बंदों को ढूंढने। तो भाई जल्दी से गाड़ी उठा के मैं आता इस वाली घर की तरफ, शायद बंदा मिल जाए, बट बोर्ड दिखता मेरे को पहले। अब पहले तो भाई इधर एक बंदा फायर कर रहा था, बट भाई मेरे को तो नहीं मिलता वो, तो भाई गाड़ी लेके निकला था बंदों को ढूंढने। बंदे तो भाई नहीं मिल रहे होते, तो एक दो बोर्ड को निपटा के सीधा आता मैं इस वाली पहाड़ी पे। थ्रीडिल पे भाई नीचे की तरफ कुछ बंदे होते, तो बस पहले उन्हें देख लेता हूँ। इधर भाई हमारे गन में एमओ भी भाई कमी होती है, तो भाई मैंने तो सोच लिया था भाई अब तो उनको भाई उधर ही जाके निपटाना पड़ेगा, तो भाई गाड़ी लेके आ जाता है इन्हें निपटाने। तो बस देखो और ये बंदा तो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक मोमेंट दे रहा होता, तो इसकी तो पेटी बना दी। तो भाई जल्दी से सामने वाले बंदे का किल कंफर्म करने आता हूँ मैं। और तेड़ेल में तो भाई यही बंदे मिलते हैं जिनकी तो भाई पेटियाँ बना दी, तो भाई जल्दी से इनकी पेटियों में से लूट उठा के मैं उठा था यहाँ से गाड़ी। मेरे को जाना था जोन में और गाड़ी लेके जा रहा था, तभी देखो भाई क्या होता। और ये मिल जाता है भाई हैकर वाली टीम, तो भाई मेरे टीममेट को नॉक करके भाई फिनिश भी कर देता है। तो भाई जल्दी से गाड़ी लेके आ जाता है स्टेडियम में, वो वाले बंदे भाई मेरे सामने होते हैं, तो बस देखो। अरे जोन से मत देखे। और चलो भाई इस वाले हैकर की तो औकात बता दी, मेरे को जाना था जोन में और जोन चला जाता भाई पहाड़ी की तरफ, तो भाई जल्दी से गाड़ी लेके मैं आ जाता भाई सीधा जोन में, तो बस देखो यहाँ पे क्या होता। बस ये ड्रोन से चल जाएगा, मर जाएगा ये। और मैं भाई स्टेक टू आता, तो भाई ये वाले बंदे भाई एक ही टीम के होते हैं। तो भाई लो ये था आज का गेम प्ले, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भाई करके जरूर जाना। तो गाइस मैं मिलता हूं आपको नई गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।